हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं सैयद रमीज, आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। देश के जो माहौल है, पूरी दुनिया के जो माहौल है, उसके ऊपर मैं कुछ बात करूँगा आपके सामने। अभी इस वक्त रात के 2 बजे हैं और 26 मार्च जो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये बात आप मेरे थंबनेल पर देख के ही समझ गए होंगे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो करते हैं, स्पेशली जो यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव हैं, उन लोगों के लिए है ये 2 मैसेज हैं। एक तो है, पहला कोरोना वायरस के ऊपर डिजिटल मार्केटर्स का क्या रोल है और उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए, और दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को, मेरे मैसेज को आगे तक पहुंचाइए। आप इसको कमेंट्स लाइक करें या ना करें, या लाइक करें या ना करें, लेकिन इस बात को आगे तक शेयर करिए। दोस्तों, मैंने अभी आज ही के दिन रात में YouTube के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है उनको मैंने चेक किया, देखा, और मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर कोई भी जागरूक मैसेज नहीं दिया है। कुछ लिमिटेड 5-10% लोगों ने दिया है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। तो मैं तो यूट्यूब पार्ट टाइम पे करता हूँ, तो जो लाखों लाखों सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स हैं उनके मैंने वीडियो चेक की। कोरोना वायरस के ऊपर उन्होंने एक वर्ड नहीं लिखा। उन्होंने इवन बताते हैं कि किस में इनकम बढ़ेगी, किस में इनकम कम होगी, ये करिए। तो दोस्तों, ये संकट का समय है पूरी दुनिया के लिए। इंडिया में बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और आपके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं। आप उनका एक रोल मॉडल हैं, आइडियल हैं, उनके लिए हीरो हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप कोरोना वायरस के लिए जागरूक करें लोगों को। वो आपकी बात जरूर मानेंगे। देश में मैक्सिमम लोग लॉकडाउन में फॉलो कर रहे हैं उसको, बट कुछ परसेंट लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। तो मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि आप सीरियसली लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, और लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए। दोस्तों, ये महामारी एक विशाल भयंकर रूप लेती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है बहुत तेजी से। 26 मार्च में 121 अभी तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं वो पाए गए हैं। सो मैं आप सभी को एक बार फिर से बोलूंगा कि सरकार के बताए हुए डिसीजन पे सरकार के साथ खड़े रहिए। मैं अक्सर सरकार के को लेकर काफी क्वेश्चंस करता रहता हूँ, मुझे ट्रोल्स भी होते हैं, बट सरकार के इस कदम के साथ मैं कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ हूँ सरकार के इस फैसले के साथ। और आप सभी को भी बोलूंगा कि आप भी उस गाइडलाइन को फॉलो करिए और इस महामारी का मिलकर मुकाबला करिए। तो दोस्तों, मेरी ये एक बात है। एक दूसरी बात भी है जिसको मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू पूरा सुने और इसको आगे भी शेयर करिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, कोई यूट्यूबर्स है, कोई ब्लॉगर्स है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, कोई मोटिवेशनल है, सो हमारे सब लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमें खाली डिजिटल मार्केटिंग ही लोगों को नहीं सिखाना है, इसके अलावा भी दुनिया है। ये 21 डेज का लॉकडाउन की वजह से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली अर्निंग करते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों को आगे आकर हेल्प करिए। दोस्तों, हमारा 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है और ये देश वैसे तो सुपर पावर और बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इसकी हकीकत एक ये भी है कि इसमें 60 से 70% जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों के लिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियो में, अपने फोटो में, अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि एक दिन में लाखों कमाते हैं या महीने की इनकम करोड़ों है, एक दिन में गाड़ी खरीद लेते हैं वो अपने यूट्यूब से या अपने ब्लॉग से, अपने एफिलिएटेड से, जो ऐसी स्कीम दिखाते हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन लोगों को पूछिए कि जो लाइव प्रूफ दिखाते हैं वो डोनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो डोनेट करें, वो अपने प्रूफ दिखाएं कि भाई मैंने डोनेट किया और मैं ये प्रूफ दिखाता हूँ। तो जो गरीब लोग हैं, जो दिन भर रोज मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके लिए आगे आइए, हेल्प करिए।
मैंने मेरे पर्सनल लेवल से 50 फैमिली को खाना खिलाने का इंतज़ाम किया है और ये हमारा जो खर्चा है वो मेरी कंपनी पूरा बेयर करेगी इसको। और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी अपने अपने लेवल पर इस मुहिम में जुड़िए। इस लोग जो भी आपके नज़दीक में लोग दिखाई दे उनको खाने पीने का दाल चावल राशन आटा जो आपसे हो सकता है पॉसिबल वो करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपने कंपनी का डिटेल्स दे रहे हैं। अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर पेमेंट का इंफॉर्मेशन है। दोस्तों इस कोरोना वायरस के मुकाबला करने के लिए आप और मुझे और सभी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को आज आगे आने की ज़रूरत है। आज उनको आगे आना होगा और इस कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों जो कि 21 दिन का लॉकडाउन में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आइए। आप जितना भी अर्निंग करते हैं उसका कुछ परसेंट एक दिन का एवरेज निकालकर या 5% 10% जो भी आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, 2-3% तो आपका जो TDR है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस कटता है 2-3% तो लोगों का वही कटता है। तो आप अगर इतना भी अमाउंट निकाल सकते हैं आप उसको निकालिए। मेरे सभी बड़े बड़े जितने भी ब्लॉगर्स डिजिटल मार्केटर यूट्यूबर्स और एफिलेटेड अर्नर्स या सोशल मीडिया पर अर्नर्स है जो दिखाते हैं, मैं उन सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप भी अपने डिजिटल मार्केटिंग के अर्निंग के थ्रू आप लोगों की हेल्प करिए। इस वीडियो को इस मैसेज को आगे पहुँचाते रहें। अगर इस वीडियो की वजह से आपको किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।